होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहले 10,000 नए सैनिक, फिर 9 दिन बाद 28,000 एडिशनल सैनिक वहां तैनात करवा दिए। पाकिस्तान के द्वारा अमरनाथ यात्रा के रास्ते में माइंस बिछा दी गई थी। पुलवामा अटैक के जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। इंटेलिजेंस से टिप मिली थी कि अमरनाथ जाने वाले यात्रियों पर पाकिस्तान हमले की ताक लगाए बैठा है। जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता राज्य में घट रही इस घटना से अनजान थे। पहले इंटरनेट सेवाएं और बाद में फोन सेवाओं को पूरी तरह ठप करके सभी बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पूरा देश इस पहेली के जवाब के इंतजार में था। नमस्कार। अंग्रेजों का इतिहास रहा है, उन्होंने दुनिया में जिस भी देश को अपनी गुलामी के पंजे से आज़ाद किया वहाँ नफरत का कोई ना कोई ऐसा बीज बोकर छोड़ दिया जिससे आज़ाद हुए देश अगले कई सौ सालों तक उस बीज का शिकार रहे हैं। ऐसा ही एक बीज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान बोया गया, जो आर्टिकल 370 की शक्ल में सामने आया। बीजेपी ने अपने दूसरे कार्यकाल में इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए इसे हटा दिया, लेकिन इसे हटाने का किस्सा किसी सस्पेंस फिल्म के स्क्रीन प्ले से कम नहीं था। देश की जनता या विपक्ष तो बहुत दूर की बात थी, सरकार के साथ काम करने वाले लोगों को भी बिना कुछ बताए होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया था। यहाँ पहले 10,000 नए सिपाही भेजे गए, 9 दिन बाद फिर से 28,000 एडिशनल सिपाही भेजे गए। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में माइंस बिछाई गई हैं। पाकिस्तान कभी भी अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस के हवाले से मिली इस सूचना के आधार पर अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। इसके अलावा कश्मीर घूमने आए हुए 6200 टूरिस्ट को भी रातों रात जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया। 43 दिनों से राज्य में चल रही मशाल यात्रा को रोक दिया गया। वहां पहुंचे इरफान पठान समेत 100 से अधिक क्रिकेटर्स को भी वापस भेज दिया गया। सरकार के ऐसे डिसीजन से संसद में बैठे सांसदों के अलावा जम्मू कश्मीर भी हैरान परेशान था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये चल क्या रहा है इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन वहां की सेंसिटिविटी को देखकर हर कोई पुलवामा अटैक के जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को याद कर रहा था और पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही किसी कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में धारा 144 लागू करके टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। राज्य के सभी बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव रखकर इसे हटा दिया गया। ये सब इतना सीक्रेटली और सरप्राइजिंगली किया गया कि सरकार चलाने वाले या सरकार में काम करने वाले लोगों को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इस एक फैसले से सरकार ने 890 सेंट्रल लॉज जम्मू कश्मीर में लागू करके जम्मू कश्मीर के उन सत्ताधारियों का गुरूर तोड़ दिया जिन्हें लगता था कि भारत की सरकार वहां से 370 का स्पेशल स्टेटस कभी नहीं हटा सकती। इस ऐतिहासिक निर्णय के गवाह तो हम सब बने, लेकिन जम्मू कश्मीर को 370 का स्पेशल स्टेटस कब और क्यों दिया गया ये भी अपने आप में एक बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब भारत में आज़ादी की मांग तेज हो रही थी तो मुस्लिम लीग पार्टी के मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के आधार पर एक नया मुल्क बनाने की मांग कर रहे थे। भारत की आज़ादी और दूसरे मुल्क की मांग को देखते हुए अंग्रेजों ने आखिरी वाइसरॉय ऑफ इंडिया के रूप में लुइस माउंटबेटन को भारत भेजा, जिन्होंने भारत में आज़ादी के दौरान बंटवारे का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव के मुताबिक जो रियासतें भारत में विलय करना चाहती थीं वो भारत में विलय कर सकती थीं और जो रियासतें धर्म के आधार पर बनने वाले नए मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में विलय होना चाहती थीं वो वहाँ जा सकती थीं। इसके अलावा लुइस माउंटबेटन ने एक बात और कही कि जिस रियासत को स्वतंत्र रहना है वह स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसी स्वतंत्र रियासत वाली बात ने आगे चलकर आर्टिकल 370 को जन्म दिया, जो लगभग आज़ादी के 72 साल तक देश की सबसे बड़ी मुसीबत बनी रही। उस वक्त कश्मीर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था और वहाँ डोगरा वंश के आखिरी शासक राजा हरि सिंह का शासन था। राजा हरि सिंह अपने पूर्वजों की तरह दूर की सोच रखने वाले नहीं थे, इसलिए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था और वो कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे।
लेकिन भारत के सर का ताज कहा जाने वाला कश्मीर उस वक्त एक ऐसी रियासत थी जिसका राजा तो हिंदू था लेकिन वहाँ की जनता मुस्लिम थी। इसलिए पाकिस्तान किसी भी हाल में कश्मीर की रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। इसीलिए बंटवारे के चंद दिन बाद ही पाकिस्तान के कबाली समुदाय ने कश्मीर पर हमला करके वहाँ के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। कश्मीर के हालात इतने खराब हो गए कि राजा हरि सिंह को कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता दिखाते हुए राजा हरि सिंह के सामने एक बार फिर भारत में विलय होने का प्रस्ताव रखा। राजा हरि सिंह ने उनके इस प्रस्ताव को मानकर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन करके कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। इस विलय के बाद कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसलिए भारतीय सेना को युद्ध के लिए कश्मीर भेजा गया, लेकिन नौशेरा उस वक्त एक ऐसा पॉइंट था जहां भारतीय फौज को बढ़त नहीं मिल रही थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह जिम्मेदारी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को दी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपनी चतुर युद्ध नीति से 900 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारकर नौशेरा पर जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के बाद एक पाकिस्तानी तोप का गोला उन पर आकर गिरा और वो शहीद हो गए। नौशेरा के शेर के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो थे। उस वक्त वो अकेले ऐसे भारतीय सैनिक थे जिन पर पाकिस्तान ने उस दौर में 50,000 रुपए का इनाम रखा था। जानकार मानते हैं कि अगर मोहम्मद उस्मान पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद न हुए होते तो भारत के पहले मुस्लिम आर्मी चीफ बनते। लगभग एक साल चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से कश्मीर के बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा वापस ले लिया था और 1948 में सीमा निर्धारण के समय कश्मीर में जिस जगह तक भारतीय सेना का कब्जा था वही एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बना। 1948 में जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को UNO ले गए, जहाँ उन्होंने भारत की आज़ादी और विभाजन के लिए रियासतों के विलय वाले डॉक्यूमेंट्स और कश्मीर के राजा हरि सिंह का साइन किया हुआ विलय पत्र दिखाकर पूरे कश्मीर पर भारत के अधिकार की मांग की। लेकिन UNO ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख न अपनाते हुए इस मुद्दे पर कश्मीर की जनता से जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करवाने का सजेशन दिया, जिस पर नेहरू जी ने सिर्फ कश्मीर की जनता से ही क्यों संपूर्ण भारत और संपूर्ण पाकिस्तान की जनता से भी रेफरेंडम करवाने की बात कही, जिसके बाद से ये मुद्दा कभी सॉल्व नहीं हो सका। कुछ लोग नेहरू जी को UNO में इस मुद्दे को लेकर जाने को उनकी भूल समझते हैं और कुछ लोग इसे UNO का दोगलापन। उस वक्त का विपक्ष या यूं कहें कि आज की BJP सरकार हमेशा कांग्रेस को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराती है कि अगर नेहरू जी उस मुद्दे को UNO में न लेकर जाते तो भारत को कभी कश्मीर पर समझौता नहीं करना पड़ता और पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में प्रत्येक रियासत से उनके जन प्रतिनिधियों को बुलाकर संविधान सभा में देश के नए संविधान पर चर्चा चल रही थी, लेकिन क्योंकि कश्मीर की रियासत सबसे आखिरी में देश में विलय हुई थी इसलिए इस संविधान सभा में कश्मीर का कोई भी जन प्रतिनिधि शुरुआत से अवेलेबल नहीं था और देश में नया संविधान लागू करके देश को प्रगति की दिशा देकर उसकी दशा सुधारनी थी, इसलिए किसी तरह का कोई विलंब ना हो सके इस बात का ख्याल रखते हुए संविधान सभा ने कश्मीर को कुछ टेम्पररी पावर्स दी, जिसके तहत उनसे कहा गया कि वे अपने राज्य के लिए एक संविधान सभा बनाकर जम्मू कश्मीर राज्य के हित वाली शासन और कानून व्यवस्था का निर्माण करें, जिन्हें बाद में भारत के मूल संविधान में जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए भारत के संविधान में उस वक्त आर्टिकल 370 शामिल किया गया, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। इस आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मिली एडिशनल पावर्स का इस्तेमाल करके वहां के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को दी, जिन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ चर्चा करके ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसमें उन्होंने अपने राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया, वहां अपना अलग झंडा बना लिया, वहाँ के सिटीजन्स को भारत की सिटीजनशिप के अलावा जम्मू कश्मीर राज्य की एक अलग सिटीजनशिप देकर उन्होंने वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप कायम कर दी। भारत के किसी भी स्टेट का कोई भी सिटीजन जम्मू कश्मीर में घूम तो सकता है लेकिन वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता।
माइनॉरिटीज जैसे किसी हिंदू या सिख को किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव वहां नहीं रखा गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसा कानून वहां लागू नहीं हो सकता था और राइट टू एजुकेशन से भी जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया। वहां की विधानसभा 6 साल चलेगी। इसके अलावा अगर भारत की कोई लड़की शादी करके जम्मू कश्मीर आती है तो उसको वहां की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी लड़की शादी करके जम्मू कश्मीर आती है तो उसको वहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और अगर जम्मू कश्मीर की लड़की बाहर किसी राज्य में शादी करती है तो उसकी स्टेट सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी। यानी आर्टिकल 370 में मिली पावर्स का इस्तेमाल करके भारत के सर का ताज कहलाने वाले जम्मू कश्मीर ने भारत के सर पर ही नाचना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर जाने पर अपने ही देश में परायों जैसा बर्ताव ने भारत के लोगों को काफ़ी ठेस पहुंचाई। इसलिए जम्मू कश्मीर के संविधान बनने के कुछ सालों बाद ही आर्टिकल 370 को हटाने की मांग उठने लगी, लेकिन ये स्पेशल पावर उन्हें संविधान सभा ने दी थी और वो संविधान सभा भंग हो चुकी है। इसलिए ऐसे में 370 पर किसी भी तरह का संशोधन केवल वहाँ की विधानसभा से पूछकर ही किया जा सकता था, लेकिन वहाँ की विधानसभा 370 में कभी कोई संशोधन करने ही नहीं देती थी। इसलिए ऐसे में वहाँ से आर्टिकल 370 को हटाना भारत की सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन जिस वक्त भारत का मूल संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त आर्टिकल 370 को शामिल करते हुए एक और स्पेशल आर्टिकल शामिल किया गया था जिससे कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अनजान थी, जिसका फायदा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उठाया। इस स्पेशल आर्टिकल के मुताबिक यदि किसी राज्य में विधान पालिका भंग हो तो उस राज्य के कानून बनाने की पावर राष्ट्रपति को दी गई है और जम्मू कश्मीर पर भी ये आर्टिकल एप्लीकेबल था। इसलिए जब जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शंस में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों में से किसी की भी मेजोरिटी नहीं बन सकी तो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन देश की किस्मत शायद अच्छी थी कि ये सरकार ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी, इसलिए इस सरकार के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन में आर्टिकल 370 जैसी धारा को हटाया जा सकता है, इस बात से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता भी अनजान थे, वरना 370 को बचाने के लिए वो दोनों मिलकर राज्य में अपनी सरकार बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू कश्मीर पर फैसला लेने की ताकत संसद को दे दी, संसद यानी केंद्र सरकार को, जिसके बाद संसद में बीजेपी सरकार ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से इस बिल को पास करवा कर आर्टिकल 370 को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। हालांकि इसके हटने के बाद बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सभी याचिकाओं को सुना गया और फैसले के तौर पर संवैधानिक तरीके से हटाए गए आर्टिकल 370 के फैसले को कायम रखा गया है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।